फ्रंट में से हमने जो कटोरी का हिस्सा निकाला था वो एक बड़े कागज पे चिपका दिया है। अब वो कटोरी कैसे बढ़ाते हैं ये देखने वाले हैं। देखो इस जो राउंड शेप है उसके बाहर हमको 5 इंच बढ़ाना है। फिर कटोरी के नीचे 5 इंच बढ़ाना है। अब जो ये टक्स लाइन की रेशा है इसको हमको बढ़ाना है। कटोरी के आगे यहाँ पर जो बढ़ाया हुआ हिस्सा है वहाँ से छाती का 5वां हिस्सा और 1/2 इंच लेना है। 8 आता है या डायरेक्ट इस लाइन से 1.5 इंच आगे लिया तो भी चलता है। जहाँ पर गला खत्म हुआ है वहाँ से इस लाइन को जोड़ना है। गले के पॉइंट से हमको बढ़ाए हुए हिस्से को जोड़कर लाइन खींचनी है। अब जो कटोरी का जो बढ़ाया हुआ हिस्सा है उसका मिडल लेना है। 8 इंच है उसका मिडल, 4 इंच आता है उसकी लाइन हमको कटोरी के नीचे तक खींचनी है। अब जहाँ पर हमारी कटोरी, पहले वाली कटोरी हमने जो दिखाई थी उसके नीचे हमको छाती के अनुसार लेना है। 32 छाती को 1 इंच लेना है और 32 से अधिक छाती को 1.25 या 1.5 इंच लेना है। इस तरह से हमने 1.5 इंच लेके मार्क कर दिया है। अब यहाँ पर जो बढ़ाया हुआ हिस्सा है उसको जोड़ना है। जैसे हम दिखाई देते हैं इस कटोरी की यहाँ से जहाँ पर हमारी कटोरी खत्म हुई थी वहाँ से फिर से 5 इंच नीचे लेना है और दिखाए जो दिखाया जाता है उसी तरह से ये पॉइंट जोड़कर इस तिरछे लाइन को हमको ये कटोरी की लाइन जोड़नी है। ये क्रॉस लाइन हमको इस लाइन पे कहीं भी आ सकती है, ये पॉइंट कहीं भी आ सकता है। खींचने के बाद हमको जो टक्स का चौड़ाई है वो 1.5-1.5 इंच लेना है। इस लाइन से 1.5 इंच उस तरफ और इस लाइन से मिडल लाइन के दोनों तरफ हमको 1.5-1.5 इंच लेकर मार्किंग करना है और ये टक्स पॉइंट का जो मिडल है उसको जोड़ना है। अब हमको दोनों लाइन से उनको गिनना है। ये 2.5 इंच आया है, देखो 2.5 इंच आया है। जो बड़ी लाइन है उसी तरह से इस छोटी लाइन को हमको बढ़ाना है। इसको भी 2.5 इंच हमने कर दिया है। मिडल वाला पॉइंट उसी जगह रखकर हमको टक्स वाले पॉइंट को बढ़ाना है। देखो हमने इस दोनों लाइन को एक जैसा कर दिया है। इसी तरह से हमने ये बढ़ाई हुई कटोरी आपको दिखाई है। अब इसको जैसा हमने ड्राफ्ट किया है उसी की तरफ काटना है। ये कटोरी हमने काट ली है। अब ये इसको कैसे देखना है टक्स मिलाकर वो हम बता रहे हैं। देखो इस टक्स को मोड़ना है और सिर्फ पिन लगानी। इस तरह से हमारी ये कटोरी तैयार हुई है। देखो अभी हम आस्तीन का ड्राफ्टिंग देखने वाले हैं। यहाँ पर कागज पर हमने फोल्ड लिया है, यहाँ पर फोल्ड है कागज का, यहाँ पर हम बाह की लंबाई और 1.5 इंच ज़्यादा लेने वाले हैं। जैसे बाह की लंबाई 5 है तो 1.5 इंच ज़्यादा 6.5 इंच लेंगे। इस लाइन को खींचना है। फिर हमको नीचे की पट्टी होती है फोल्डिंग पट्टी, उसको मोड़ने के लिए 1 इंच लेने वाले हैं। इसी लाइन को भी हमको लाइन खींच के लेनी है। यहाँ पर
एक नंबर आ जाएगा। एक नंबर की लाइन के ऊपर हम बाह का घेरा लेने वाले हैं, यानी दंड घेरा लेने वाले हैं। दंड घेरा हमारा है, बाह का घेरा है 12 इंच, उसका आधा हम 6 इंच लेने वाले हैं। 6 इंच लेना है, इसको पॉइंट देना है हमको 3 नंबर। अब हमको इसको बगल की लंबाई लेनी है बाह के ऊपर। बगल की लंबाई हम 3.5 इंच लेते हैं, 5 इंच बाह की लंबाई को हम 3.5 इंच बगल की लंबाई लेते हैं, इसको 2 नंबर देते हैं, 0 से 2। बगल की लंबाई 3.5 इंच। अगर बाह की लंबाई 4 इंच है तो बगल की लंबाई उससे आधी यानी 2 इंच लेनी है। बाह की लंबाई 3 इंच है, 3 इंच बाह की लंबाई है तो उससे आधा हमको बगल की लंबाई 1.5 इंच लेनी है। इसी तरह से बगल की लंबाई बाह की लंबाई के अनुसार कम या ज़्यादा होती है। अब हमको दंड घेरा जितने हमने डाला है उससे अधिक 1.5 इंच हमको ज़्यादा लेना है। जैसे ये 6 इंच है तो बगल का घेरा हमको 1.5 इंच से ज़्यादा डालना है। यहाँ पर 4 नंबर आ जाएगा। अब ये बगल का घेरा, हम बाह का जो घेरा है वो हम डालते हैं, ये जोड़ते हैं हम ब्लाउज के घेरे को, यानी पूरे आगे पीछे को घेरे को जोड़ते हैं। ये हमको एक जैसा आना चाहिए, जितना घेरा हमारे फ्रंट का है, जितना घेरा हमारे फ्रंट पे आया हुआ है। जैसे इस मार्जिन की तरफ से हमने मार्जिन के पास से हमको गिनना है, यहाँ पर भी सिलाई मार्जिन छोड़ना है। ये बाह का घेरा यानी फ्रंट का घेरा हमको गिनना है, पहले फ्रंट का पूरा बगल का घेरा गिनना है। जितना ये आया है उसी तरह से 0 से 4 ये हमको उतना ही लाना है। देखो इस तरह से हमको ये घेरा गिनना है। बाह जोड़ते समय कम या ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। अब हम 3 ये 4 ये पॉइंट जोड़ेंगे। ये लाइन हमारी क्रॉस यानी तिरछी आई है, तो इस फोल्डिंग पट्टी को देख भी हम क्रॉस लाइन लेने वाले हैं। उसी तरह से ये घेरा डालने के बाद हम इसके बाहर मार्जिन लेने वाले हैं, 1 इंच मार्जिन 1 इंच लेने वाले हैं। इसी तरह से हमने ये बाह का ड्राफ्टिंग किया है। अभी आपको आगे और पीछे का जो बगल का घेरा है वो बताने वाले हैं। जैसे कि दो और चार का आधा लेना है। देखो ये आधा ले लिया, यहाँ पर मार्क किया, इसको 5 नंबर देते हैं। फिर ये लाइन ऊपर खींचते हैं, इसको 6 नंबर देते हैं। इस अंतर के, इस डिस्टेंस के 3 हिस्से बनाने हैं हमको, अंदाज से बनाने के हैं, 7 और 8। फिर यहाँ पर 0.0 से 1 इंच आगे हमको मार्क करना है, इसको 9 नंबर देना है। और 4 पॉइंट से बगल की धेरे की तरफ इसको 1 पॉइंट करना है, इसको 10 नंबर देना है। बस ये 7 वाला पॉइंट हमको इस 9 पॉइंट को जोड़ना है, जैसा ये पीछे का घेरा तैयार होने वाला है। और यहाँ से 4 से लेकर हमको इस 7 की तरफ आना है। इस तरह हमने ये पीछे का बगल का घेरा ड्राफ्ट कर लिया है। अब आगे का बगल का घेरा हम लेने वाले हैं। जैसे 4 की तरफ से हम 10 की तरफ सीधा आएंगे, फिर ये 8 को जोड़ेंगे, और 8 को जोड़कर हम इस वापस 0, 9 और 0 की तरफ आएंगे। अब हमको इस आस्तीन को काटना है, कागज़ को काटना है। ये फ्रंट का हिस्सा है, बैक का हिस्सा हमने काट लिया है। इस तरह से फ्रंट का हिस्सा काट लिया है। इस तरह से हमने आपको आस्तीन का ड्राफ्टिंग कैसे करते हैं ये बताया है। अब आगे ये जो कागज़ पे किया हुआ कटिंग है वो कपड़े के ऊपर कैसे रखते हैं ये बताने वाले हैं।
हमने जो पेपर कटिंग किया था वो कपड़े के ऊपर कैसा किस तरह से रखा है। देखो यहाँ पर कपड़ा फोल्ड है, यानी कपड़े को फोल्ड पे रखा है, बैक फोल्ड पे रखा है, इसका गला है वो फोल्ड पे रखा है, बैक है, फ्रंट है, योग पट्टी है, और कटोरी हमेशा क्रॉस कपड़े पर ही रखनी है। देखो जिस तरह से ऐसे ऐसे कटोरी रखेंगे तो ये जो टक्स है वो अगर ऐसा आता है तो कटोरी सीधी हो जाती है, कटोरी अगर ऐसा आता है, कटोरी पे का टक्स अगर ऐसा आता है तो वो आड़ा हो जाता है, मगर ये कटोरी को हमने क्रॉस रखा है। देखो जिस तरह से ये क्रॉस कपड़ा खींचा जाता है, ये कटोरी सीने के समय अच्छी बैठती है, इसलिए हमको कटोरी हमेशा क्रॉस कपड़े पर काटने है। यहाँ पर स्लीव्स रखी है, और ये कटोरी का ड्राफ्टिंग हो या कोई भी ब्लाउज का ड्राफ्टिंग हो, कोई भी क्लॉथ पे हम जब कट करते हैं तो हम ज़्यादा से ज़्यादा कपड़ा बचाने की कोशिश करते हैं। कपड़ा इसलिए बचाना है कि जिस तरह हमको इसको यूज करना है, ब्लाउज सीते समय बैक पट्टी, फ्रंट पट्टी, योग पट्टी और गले की पट्टी निकालने के लिए हमको हमारा जो कपड़ा खर्च होता है वो खर्च हमारा कम कैसे हो, कम कपड़े में हम कैसे ब्लाउज बिठा के दे, इस तरह से हमको सोचना है। उसी तरह से हमने ये ड्राफ्टिंग रखा हुआ है। अब हमको सिर्फ ये जैसे ड्राफ्टिंग रखा है वो सिर्फ फ्रंट को हमने बढ़ाना है, जहाँ पर हमारी कटोरी सिलाई जाती है वहाँ पर हमको 5 इंच बढ़ाना है। हमको 5 इंच बढ़ाना है, और जहाँ पर हमारा योग सिलाया जाता है वहाँ पर हमको 1/2 इंच बढ़ाना है, वहाँ पर हमको 1/2 इंच बढ़ाना है। इस तरह से हमको सिर्फ फ्रंट पे ही बढ़ाना है। यहाँ पर हमने कटोरी ब्लाउज की जो कटिंग दिखाई है, अगर आपको इसका स्टिचिंग देखना हो तो अपने कमेंट द्वारा हमें ज़रूर बताइए, हम आपके लिए इसके स्टिचिंग का वीडियो ज़रूर बनाएंगे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे ज़रूर लाइक करें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।